सही देखिए बाबू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं वो सी यू बी कॉम ऑनर्स 2021 का क्वेश्चन है। इसमें तीन चीज़ बनाने बोला आपको, आपको प्लांट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ऐसा सब लोग पहले कभी नहीं किए और ऐसा सब 7 साल के पेपर में पहली बार आया था, 2021 में ही आया था, बात समझे। लेकिन आपको ना जैसे सम्स आप किए हो उससे ज़्यादा ईजी लगेगा। क्यों ईजी लगेगा? क्योंकि इससे पहले जो सब लोग करते थे एक अकाउंट बनाते थे, उसी में सब आइटम हॉच पॉच कर देते थे, मार्सेल वैल्यू डिप्रिसिएशन, बच्चा कन्फ्यूज आता। इसमें क्या है, तीन अकाउंट बनाने बोला, तीन चीज़ के लिए तीन अकाउंट है। पहला प्लांट अकाउंट में सिर्फ कितना खरीदे हैं एसेट उसका डिटेल, दूसरा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में कितना बेचे हैं उसका डिटेल, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में अभी तक हर एक मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन हुआ सिर्फ उसका डिटेल। तो आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा ईजी ये लगेगा बस एक बार बताने का देरी। रेडी गाइज, चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं पवित्र से। आइए, ऑन 1/1/2018 न्यू प्लांट वॉज परचेज बाय मिसेस बासु। मिसेस बासु नाम की महिला है जो एक नया मशीन खरीदे, प्लांट मतलब मशीन, 1,00,000 रुपया का। उसमें 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन में खर्चा की। 1 जून 2019 का वो खूबसूरत सा दिन था जब फिर से एक प्लांट खरीदी, कितना रुपया बताइए, 65,000। फिर से 2 अक्टूबर 2020 को पहला प्लांट वॉज डिस्ट्रॉयड, पहला प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। सिर्फ 2,500 रुपया उसको बेच करके हमको मिला स्क्रैप, वो भी क्या रद्दी का भाव। जैसे कोई सामान एक्सीडेंट हो जाता है ना तो फिर वो नॉर्मली नॉर्मल दाम में नहीं बिकता, वो स्क्रैप वैल्यू में बिकता है। 20 अक्टूबर 2020 को सेकेंड हैंड प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 75,000। सेकेंड हैंड मशीन खरीदा कितना रुपया में बाबू, 75,000। फर्दर सम ऑफ 7,500 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयर्स, और फिर से रिपेयरिंग में कितना खर्चा किया, 7,500। और फिर से इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा किया, 2,500। और इसका यूज़ करना स्टार्ट कब से किए, 15 नवंबर 2020 से। डिप्रिसिएशन का रेट 10% है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। इट वॉज द प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। कब खरीदे हो मैटर नहीं करता है, पूरा साल का डिप्रिसिएशन मारेंगे। मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड टू इग्नोर डिप्रिसिएशन ऑन एनी आइटम सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और हर उस आइटम पर डिप्रिसिएशन को इग्नोर करिए जिसको आपने बेचा है, मतलब जो खरीदेंगे कब खरीदे मैटर नहीं करता, डिप्रिसिएशन पूरा साल भर का मारेंगे। आज अगर बेच रहे हैं तो आपको उस साल का डिप्रिसिएशन नहीं लेना, मतलब जिसको बेचिएगा ना उस पर डिप्रिसिएशन नहीं निकालना। आप खरीदे हैं तो कब खरीदे हैं मैटर नहीं करता, आपको डिप्रिसिएशन पूरा निकालना है, ये नया है। द अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एनुअली। इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, 2020 में मेथड भी चेंज कर दिया और बोला हम डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो करेंगे। शो दिखाइए ना, प्लांट अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना पवित्र सम से देगी। अभी आपके आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा कि यार क्या सम्स दे दिया है, क्योंकि नॉर्मली सम्स रहने से तो थोड़ा बहुत हम लोग बना भी पाते थे, ये तो बहुत बॉम्बेस्टिक सम्स दे दिया है। बट माय डियर स्टूडेंट, जब बना लेंगे तो आप बोलेंगे बाबा ऐसे ही सम्स देता तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। तो तीन अकाउंट बनाने बोला तो बहुत अच्छा है, पहला प्लांट अकाउंट बनाने बोला, कौन सा अकाउंट बाबू, प्लांट। देखिए कितना प्यार से कितना शिद्दत से प्लांट अकाउंट बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना और मेरे बातों को सुनोगे और कुछ नहीं करना, फिर जब बोलेंगे उतारिए तो उतारिएगा। इधर देखिए डेट पटी कूलर्स, इधर भी क्या बाबू, डेट पटी कूलर्स, इधर क्या बाबू, रुपीस क्रेडिट, और क्या बाबू, डेबिट। भाइयों और बहनों, सबसे पहले कितना तारीख को खरीदे बताइए, डेट बताइए। 18 को खरीदे तो प्लांट पे क्या लिखोगे, टू बैंक। कितना रुपया में खरीदे, 1,00,000 में तो खरीदे आप, और इंस्टॉलेशन कितना दिए, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? इधर भी 1,00,000, इधर भी 1,00,000, बाय बैलेंस सीडी 1,05,000, कोई दिक्कत? बोलिए, खत्म हो गई। सर डिप्रिसिएशन नहीं लिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, क्लियर गाइस? दूसरा आइए, 1 जनवरी 2019, मेरे पास पहले से मशीन कितना का था बताइए, 1,05,000 का। फिर मशीन खरीदा, कितना तारीख को खरीदा, देखिए डेट देखिए, 2019। कितना रुपये में खरीदे हो, पैसा कुछ इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन कुछ भी, कुछ तो होगा नहीं है, 65,000। दोनों को जोड़ दिए, 1,70,000, इधर भी 1,00,000,
बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा बताइए, तो 1,00,000 सॉरी बाय बैलेंस सीडी कितना बताइए, 1,70,000 सर डेप्रिसिएशन नहीं लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लेंगे बाबू, कब लेंगे बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत बोलिए, बोलिए ना प्लीज़ बोलो, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आइए, टू बैलेंस बीडी कितना बोलिए, 1,00,000 फिर कुछ खरीदे क्या, तारीख देखिए उस साल में कुछ खरीदे नहीं, खरीदे देखिए 20/10/2020 में क्या खरीदे बाबू, 75,000 का सेकेंड हैंड मशीन, बहुत सुंदर, और कुछ रिपेयरिंग में बाबू और इंस्टॉलेशन 250,000 तीनों जोड़ के बताइए, तीनों जोड़ के 75,000 कितना हो गया, 50 जोड़ के बताइए कितना होगा, 1,70,000 और 85 जोड़िए 2,55,000 इधर भी कितना हो, 2,00,000 पक्का ना बाबू, कैलकुलेशन आपका फिर से ही कर रहे हैं, बाय बैलेंस सीडी कितना बताइए, 2,55,000। अच्छा अच्छा एक में इस साल में बेचे भी है ना, एक तो कितना देखिए 2,10,000 2,10,2020 दो अक्टूबर को बेचे ना, स्क्रैप जो हुआ था मशीन का, कितना तारीख को स्क्रैप हुआ था देखिए, स्क्रैप को बेचे थे ना जी, कितना कितना 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को जो मशीन को आप बेचे उसका दाम कितना था बताइए, बाय प्लांट डिस्पोजल कितना बेचे वो नहीं लेना है, कितना रुपया का मशीन था, 1,05,000 वो मशीन डिस्ट्रॉय हुआ उसको बेचे आप स्क्रैप वैल्यू में, लेकिन उसका दाम कितना था, 1,05,000 तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,50,000, कोई दिक्कत है, बोलिए एक बार लास्ट वाला फिर से बोल दे, हम बेचे जो मशीन को, मशीन कितना में बेचे वो नहीं लेना, वो तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, जो मशीन को बेचे उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बताइए, 1,05,000 मतलब बेचे नहीं, स्क्रैप हो गया, खराब हो गया, टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो स्क्रैप वैल्यू में बेच दिए, कितना का मशीन था बताइए, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 1,05,000। देखिए आप इतना देरी में अगर वो वाला मेथड से बनाते समझो, वो वाला एक ही अकाउंट में बनाते तो आपको मैंने बहुत सारा डाउट आ गया था, कहे कहे वहाँ पे एक ही चीज़ में ना हौचपच हो जाता है, ये वाला सम्स आने से ज़्यादा इजी क्यों बोली, तो हर चीज़ आप तोड़ तोड़ के कर रहे हो, तो कोई डाउट के स्कोप ही नहीं है, मशीन खरीदे बैलेंस, मशीन खरीदे बैलेंस, मशीन खरीदे बैलेंस, बेच कितना दी, 1,05,000, कोई दिक्कत, उतारी एक अकाउंट बन गया, अब आराम से उतारी पवित्र से, कौन सा बोलिए ना बाबू, अरे इतना स्लो आ रहा, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो मूविंग क्यों है, नेक्स्ट आइए चले आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ कुछ भी बना सकते हैं, चलिए प्लांट डिस्पोजल बनाते हैं, देखिए प्लांट डिस्पोजल कितना इजी है, इसमें सिर्फ किसका इफेक्ट आएगा पता है आपको, जिसको बेचे सिर्फ उसका इफेक्ट आएगा, चलिए देखिए क्या है बताइए, पहला एंट्री क्या है बताइए, कितना तारीख को बेचे थे बताइए, 2 अक्टूबर 2020 जो मशीन को बेच रहे हैं उसका दाम कितना है बताइए, 1,05,000। अच्छा इसका वापस डिप्रिसिएशन भी तो हुआ ना जी, आप 18 में और 19 में तो यूज़ किए भरपूर, 18 में 19 में यूज़ किए ना, तो 18 में कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 10,500, 1,05,000 का 10% कितना हुआ, 10,500, 19 में भी इसको बर्बाद किए 10,500, तो टोटल आपने 2 साल इसको यूज़ किया है, तो सर तीसरा साल भी तो यूज़ किए ना, अब आप सोचोगे सर तीसरा साल भी तो यूज़ किए ना, तीसरा साल में यूज़ किए सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीसरा साल का डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, तीसरा साल का डिप्रिसिएशन जिस साल में बेचेंगे उसका डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, तो टोटल कितना हो गया, 10,500 और 10,500 दोनों जोड़ के कितना हो गया, 21,000, कोई दिक्कत, अब बेचे कितना रुपया में बताइए, 2,500 स्क्रैप वैल्यू, तो मेरा
एक्चुअल लॉस कितना हो गया बताइए। 1,05,000 का मशीन था, 21,000 बर्बाद हो गया था, 2,500 हमको बेच बाच के मिला, तो मेरा एक्चुअली लॉस कितना हुआ बताइए, माइनस करिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करिए कितना आ रहा, बन गया सम्स 81,000। बताइए वो वाला इजी है कि ये वाला इजी? इतना बड़ा सम्स हो के भी समझने में कोई अनकंफर्ट नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि तोड़ तोड़ के कर रहे हैं ना, इसीलिए। इसमें सिर्फ जिसको बेचेंगे उसका इफेक्ट आएगा, बोलो हाँ कि नहीं, चिपका दीजिए। चलिए देखिए, रेडी, लास्ट अकाउंट बनाना है बाबू, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए डेट पर्टिकुलर्स, डेट बोलिए, क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस बोलिए कितना है, बाय बैलेंस वीडियो ओपनिंग बैलेंस बोलिए कितना है, अच्छा बाय सॉरी डेप्रिसिएशन, पहला साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, पहला साल में मशीन कितना रुपया का था, देखिए 1,05,000 उसका पर डेप्रिसिएशन कितना, 10% कितना होगा, 10,500 लिख दिए, कोई दिक्कत? इधर भी लिखिएगा 10,500, इधर भी क्या लिखिएगा 10,000, और साल कितना तारीख को खरीदे थे बताइए, 1,18, साल का लास्ट डेट क्या होगा, 31 दिसंबर 2018, टू बैलेंस सीडी 10,500, फिर यही सीडी क्या बन जाएगा 19 में, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितना, 10,500। अब इस साल में मेरे पास कितना मशीन था देखिए, टोटल दोनों 1,00,000, एक और मशीन आ गया तो मेरे पास टोटल मशीन का 1,70,000 का, बोलिए हाँ कि नहीं, एक तो 10, एक तो 65,000 का और एक तो 1,05,000 का, तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा बताइए, बाई पी एल, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 10% मारिएगा कितना होगा, 17,000, 17,000 कैसे है बोलिए, 1,05,000 और प्लस 65 कितना, 1,70,000 उसके बाद 10% 17,000, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट, कोई दिक्कत, जोड़ के बोलिए 27,000, इधर भी 27,000, 31 दिसंबर 2000, टू बैलेंस सी डी कितना बोलिए, 27,500, फिर 1 जनवरी 2020, बाई बैलेंस बी डी अमाउंट बोलिए, 500, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग है, अब जब इस साल में आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपके पास कितने मशीन हैं, आपके पास कितने मशीन है बताइए, वर्किंग नोट वन, एक 65,000 वाला मशीन है और एक जो आपने इस साल में खरीदा है, एक मशीन तो बिक गया, फर्स्ट मशीन तो बिक गया, कि एक मशीन कितना में खरीदा है, 80, तो 85,000 वाला पे 15% मारिएगा, काहे कहीं क्वेश्चन में बोल दिया है 2020 से मेथड चेंज हो जाएगा, तो मारिए 15% मारिए कितना होगा, 85,000 का 15% मारिए कितना होगा, हाँ सेकेंड थर्ड वाला मशीन का दाम 85,000 है ना जी, थर्ड मशीन का दाम बताइए, 85 पे 15 मारो 12,750, अब 65,000 का जो मशीन था सेकंड वाला उसका ऊपर 6,500 तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन हो गया है स्ट्रेट लाइन मेथड से, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में हो गया, तो अब माइनस करके कितना बचेगा बोलो, 58,000, और उसका ऊपर कितना परसेंट, 15% मारिए, 58,500 का 15% मारिए, 75, दोनों जोड़ के बोलिए, 8,775 दोनों जोड़ के बोलिए, 520, सब कुछ तो आप समझ गए होंगे, आई होप ये वाला पार्ट नहीं समझे होंगे, किस डेप्रिसिएशन, ये वाला भी ठीक है, ये 65,000 वाला कहानी समझ आना है, माय डियर स्टूडेंट मेरे पास दो मशीन है सर, 3 मशीन है ना, एक तो बेच दी, थर्ड वाला मशीन है 15% का, तो इसी साल खरीदें कोई झमेला ही नहीं, लेकिन जो सेकंड मशीन है उसके ऊपर हम अभी तक 10% चार्ज किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड से,
तो उसका दाम कितना हो गया 58,500। तो अब हम लोग डब्ल्यू टी वी मारेंगे तो डब्ल्यू टी वी कितना आएगा 15%, 8775। यस नो गाइस, बोलो बोलिए। उसके बाद कितना हो गया बाबू बताइए दाम टोटल करके, पी एल टोटल रिप्रेशन 21,525, जोड़ी कितना होगा 0.25। उसके बाद 31 दिसंबर 2020, तो अभी इसमें जो मशीन बेचे भी थे है ना, ये जो मशीन जो बेचे हैं उसका ऊपर भी तो हाँ, जो पहला वाला मशीन बेचे हैं मतलब इससे पहले जो हम लोग बेचे जो मशीन बेचे उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया था बोलिए 21,000। वेरी गुड, तो फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन का कितना बचेगा बताइए, 2 बैलेंस CD 21,000 में से माइनस करिए, 21,000 में से माइनस करिए 28,025 हो गया। ये 21,000 किस चीज़ का बताइए, जो बेच दिए, जो क्या किए बाबू बेच दिए, उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना था 21,000। देखिए मतलब जो अगर यही चीज यही सम्स अगर एक साथ बनाते ना आप तो कुछ नहीं समझ आता आपको, और तोड़ तोड़ के बनाए तो समझ गए, क्योंकि इसमें 3 अकाउंट बनाना था, तो सुनने में लग रहा था कि ये हार्ड है, बट आप ठीक से देखिए तो प्रैक्टिकली एक दो जगह हो सकता है आपको ये आइटम स्ट्राइक करता हो कि ये कैसे हो, अदरवाइज पूरा सम्स बहुत ईजी है। तो कौन सा मेथड ईजी है बताओ, ये वाला कि वो वाला? हाँ कंटेंट अभी आएगा, कंटेंट अभी आएगा, कंटेंट तो 19 तारीख से आएगा ना।